यूपी के फतेहपुर में 24 साल के विकास का मामला इन दिनों सुर्खियों में बना हुआ है। विकास को करीब 7 बार सांप काट चुका है पिछले 40 दिनों में, तो बार बार सांप के काटने के मामले में जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है और अब सीएमओ की अगुवाई में 2 से 3 डॉक्टरों की एक टीम बनाई गई है जो कि 48 घंटे के अंदर जांच कर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। दरअसल विकास को 40 दिन के अंदर 7 बार सांप डस चुका है। इस बार उसकी हालत गंभीर हो गई थी, प्राइवेट हॉस्पिटल में उसका इलाज चला, हालांकि अभी वो घर पहुंच गया है। अब इस घटना को लेकर फतेहपुर के सीएमओ डॉक्टर राजीव नैनगिरी का बयान सामने आया है। उन्होंने ये कहा है कि अभी ये पता लगाने की जरूरत है कि क्या ये वास्तव में एक सांप है जो उसे बार बार काट रहा है। हमें उस डॉक्टर की क्षमता भी देखनी होगी जो कि इसका इलाज कर रहा है। हर शनिवार को किसी व्यक्ति को सांप द्वारा काटा जाना और उस व्यक्ति का हर बार एक ही अस्पताल में भर्ती होना और सिर्फ एक ही दिन में ठीक हो जाना, ये बहुत अजीब लगता है और इसी कारण हमने इस मामले की जांच के लिए एक टीम बनाने के बारे में सोचा है, जिसके बाद मैं लोगों को मामले की सच्चाई बताऊंगा। देखिए क्या कुछ कहा सीएमओ ने। मेरे संज्ञान में भी आया, कल मैं जीवन साहब के ऑफिस में गया था कलेक्ट्रेट में, तो वहां पर एक आदमी एप्लीकेशन लेके आया था, मुझको भी बड़ा असर हुआ। मैंने सुना केवल, तो सुनने के बाद ही मैंने अपने लोग कुछ लोगों से और बात की, उन्होंने बताया कि नहीं तो मीडिया पर न्यूज वायरल है। तो फिर मैंने इसकी सत्यता की जांच करने के लिए, और चूंकि वो वहां पर जो कलेक्ट्रेट ऑफिस में कह रहे थे कि मेरा बहुत पैसा खर्च हुआ और मुझको कुछ सरकारी मदद मिल नहीं पा रही, मैंने उनसे पूछा भी जो उनके रिलेटिव थे वो बता रहे थे। उन्होंने कहा कि भाई हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अभी एंटीएसनेक विनोम मौजूद है, आप किसी हॉस्पिटल में गए आज तक? नहीं नहीं मैं सरकारी हॉस्पिटल में नहीं जाऊँ, वहाँ लोग ध्यान नहीं देते हैं हमको, कहीं टाइम पर नहीं मिले इंजेक्शन। तो क्योंकि मैंने कहा कि हर जगह मौजूद हो, कोई दिक्कत हो तो हम लोग यहाँ 108 एम्बुलेंस भी मौजूद है, वो 20 से 22 मिनट में निश्चित रूप से आपको सरकारी हॉस्पिटल लेते आएगी, डिस्ट्रिक्ट में या कोई भी जो नजदीक का गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो। और वहाँ पर गारंटी है कि हर जगह, मैंने खुद चेक भी किया है 3-4 सेंटर, हर जगह हम लोग के यहाँ पर्याप्त मात्रा में एंटीएसनेक विनोम मौजूद है। लेकिन उनका था कि नहीं, इसीलिए मैंने एक टीम गठित कर दी है जिसमें एक एडिशनल सीएमओ, एक डिप्टी सीएमओ और एक फिजिशियन सरकारी जिला चिकित्सालय से लिया हमने, उनको भेजा। अब देखें उनको 3 दिन के अंदर सारी रिपोर्ट, 3 दिन में जांच मेन की भाई जहाँ जो जांच कर रहे हैं वास्तव में ये सांप काट रहा है क्या, एक दूसरी की जहाँ जांच हो रहा है डॉक्टर भी कॉम्पिटेंट है कि नहीं और सही ढंग से उस सांप काटे का इलाज जानते भी है कि नहीं, वो भी है। क्योंकि ये थोड़ा असर वाली बात लग रही है, एक ही आदमी को एक फिक्स डे में हर शनिवार को कोई काटे सांप और उसके बाद उसी एक हॉस्पिटल में जाके भर्ती हो और ठीक हो जाए एक दिन के बाद, तो ये थोड़ा सा आश्चर्य वाली बात है। इसलिए हमने सोचा कि भाई एक बार टीम गठित करके देखवा ही लेना है, क्योंकि काफी लोगों ने मेरे सामने मुद्दा उठाया इसके बाद भी, तो इसलिए मैंने टीम भेज दी है और वो टीम 3 दिन के अंदर पूरी रिपोर्ट बना के देगी, फिर मैं जनता को बताऊंगा कि इसकी असलियत क्या है।